सो हेलो एवरीवन, जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखने वाले। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा। इस स्थिति में जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट में जो स्थित जो पिंड होता है तो वह अपने आप में जो भार है वह शून्य महसूस करता है। मेनली बात करें लिफ्ट से जुड़ी हुई 5 फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला फैक्ट की बात करें, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा केस बात करें, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। और तीसरा यह फैक्ट है, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है। चौथा फैक्ट की बात करें, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार पर कोई भी प्रभाव नहीं होता, उसके भार में किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता। अगला केस की बात करें, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय बात करें लिफ्ट का त्वरण है वह गुतीय त्वरण से अधिक हो जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो लिफ्ट का फर्श होता है छत होता है उस पर जाके लटक जाता है। ये केस कब होता है, जब लिफ्ट का त्वरण जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का उस गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण हो जाता है लिफ्ट का, देन उस कंडीशन में जो लिफ्ट पर स्थित पिंड होता है वह लिफ्ट के फर्श पर जाके लटक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल के साथ साथ बात करें यदि हम लोग कक्षीय चाल की तो वह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी भी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, क्या चीज कहलाता है। यदि किसी भी वस्तु को पिंड को यदि हम लोग प्लायन वेग से फेंके पृथ्वी से तो वह दोबारा पृथ्वी पर नहीं आएगा। और पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर गति करता है कोई भी वस्तु जिसे हम लोग फेंकते हैं तो वह दोबारा फिर पृथ्वी में नहीं आएगा। उसी तरह बात करें चंद्रमा का प्लायन वेग कितना होता है तो चंद्रमा का प्लायन वेग होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड और पृथ्वी का प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, यह कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ पे जो कम होता है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का प्रभाव है जो कि वह धीरे धीरे कम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर से नापा जाता है, बैरोमीटर से क्या चीज़ नापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन में पानी की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, स्थिर रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सी घटना होगी। जब किसी बर्तन में पानी है और उस पानी में बर्फ को रखा गया है तो जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाती है तो जो पानी का स्तर बात करें तो वह स्थिर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है, असंजनक बल, एडहेसिव फोर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल की बीमारी का वह प्रकार क्या कहलाता है जिसमें रक्त की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, क्या कहलाता है, एंजाइना। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 kg पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 10^17 जूल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है, पारा को। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत रूप से दिए गए स्वर्ण पदक में शुद्ध स्वर्ण की मात्रा कितनी होती है, चांदी जड़ित 6 ग्राम शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, क्या चीज कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने व उनके संरक्षण में किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, पायरिन के नाम से कौन सा कार्बनिक यौगिक अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का।
किस कार्बनिक यौगिक को इथाइल अल्कोहल में मिलाकर इथाइल अल्कोहन को अपेय बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मिथाइल अल्कोहल को। नेक्स्ट प्रश्न है, सिरका बनाने में किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? एसिडिक अम्ल। तो किस कार्बनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है एसिटिक अम्ल का। कीटनाशी डीडीटी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम की बात करें तो वह है क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट प्रश्न है, जल गैस बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगला प्रश्न है, चूहे मारने में श्वेत फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? दिया सलाई बनाने में, दिया सलाई से तात्पर्य है माचिस। माचिस बनाने में किस प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। किस मिश्रण का उपयोग गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? हीलियम का।